नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हिसार सफ़ेदा और जो अन्य वैरायटियाँ हैं वो इस रेतीले भूभाग में कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ अमरूद की बहुत कम बागान देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये लाल मिट्टी का होता है, दोमट मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा रेतीला भाग रहता है। और इसके अंदर हम लोगों ने कैसे इस बाग को कामयाब किया है, मैं इस समय ये जाखड़ फार्म पे हूँ। पवन जाखड़ है और दोनों भाई ये मिलकर के यहाँ पर काम करते हैं और बहुत ही अच्छा इनका, एक तो ज़मीन इनके पास काफ़ी है, लेकिन इस जगह पर इन्होंने छोटा सा एक बाग का कंसेप्ट तैयार किया है, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अभी शुरू हुई है और कटिंग कुछ माह पहले ही इन्होंने की थी। कटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है और इन्होंने ज़्यादातर कभी किसी से कहीं से राय विमर्श नहीं किया, बल्कि खुद ही इसे एक प्रोग्रेसिव किसान को कैसे करना चाहिए उस तरीके को इन्होंने अपनाया है। ये देखिए जो कटिंग है वो इन्होंने अपने आप की है, जान करके की है, दूसरों से पूछा नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने कटिंग की है ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ में जो फ्रूटिंग है वो कैसे उठाई जा सके। ये आप देख सकते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ ये इन्होंने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। और इसमें इन्होंने क्या किया है, जो बड़ी स्टेम थी वो बड़ी स्टेम को इन्होंने रखा है केवल, और जो छोटी स्टेम थी वो सारी की सारी इन्होंने कट कर दी है। जो छोटे कल्ले थे वो कोई नहीं रखे हैं। और इसमें क्या रहता है कि जब छोटी जो टहनियाँ होती है वो जो खुराक है वो ना ले सके, इसलिए बड़ी टहनी को रख के छोटी सारी टहनियों को काटा जाता है। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, अपना नाम वगैरह बता दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार, कृष्ण कुमार, गांव बकरियावाड़ी सिरसा है। ये बकरियावाड़ी में कौन सा एरिया पड़ता है यहाँ पर? ये नहराना हेड से जो शेरावाड़ी नहर जाती है उसके ऊपर जी। हाँ जी, ये जो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने ये बाग की शुरुआत की, क्योंकि अमरूद की जो वैरायटियां हैं वो यहाँ पर कामयाब बहुत कम होती है, तो उसमें ये दोनों भाई हैं, मैं आपको इनका परिचय भी, आपका नाम बताना। मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ, इसका छोटा भाई पवन। हाँ, कुमार का, पवन कुमार और संदीप कुमार ये दोनों भाई हैं। बड़ा मतलब इनका काम जो है वो बहुत अच्छा है, कई और दूसरे काम भी करते हैं, तो खैर ये परिचय हम बाद में करेंगे। लेकिन पवन जी, हमारे यहाँ जो मेन बात ये है कि जो अमरूद के बाग हैं वो कामयाब बहुत कम होते हैं और कई लोगों ने तैयार भी किए थे लेकिन उखाड़ दिए, तो आपको ये कैसे आइडिया आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई वो थोड़ा सा बताएं आप। हमने जी ये सोचा कि ये थोड़ी दूर में लगा है, ये लगभग एक एकड़ के आसपास है जी। जी, तो हमने पहले सोचा कि पहले थोड़ी शुरुआत की जाए, अगर बढ़िया लगा तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे, तो ये हमारा बहुत बढ़िया कामयाब है। पिछली बार लगभग 10-12 क्विंटल फ्रूट आया था जी, जो कि हमने पहली बार था। हाँ, पहली बार का, और वो भी मेन रखा था जी, बाकी तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया था जी। अच्छा, छोटे छोटे जो फ्रूटिंग थे उसी टाइम आपने तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया था। तो मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने पहले सवाल किया था आपसे कि यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ होता है बाग ज़्यादातर, क्योंकि रेतीले भाग में निमाटोड वगैरह की समस्या होती है, ऐसी समस्या आपको देखने को मिली थी? कोई एक दो पौधों की आई थी, तो हमने अमर बीज भंडार जो खाद है सिरसा से, उससे जैविक हमने प्रोडक्ट लिए, बायो प्रोडक्ट लिए, ठीक है, वो डाले, उससे बहुत काफ़ी अच्छा कामयाब है जी, बढ़िया। तो ये अब ये कैसे, इसकी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन टू लाइन कितनी दूरी है? ये 10x10 पर है सारा, लाइन टू लाइन भी 10x10 है? 10x10, ठीक है। और जिस तरह से आपने ये कटिंग की है, आपने कहीं से कोई जानकारी ली है या खुद ही? नहीं, खुद नहीं, हमने यूट्यूब पर थोड़ा सा देखे और हमने ये अपने आप किए। तो बायो और हमने सब में मिलकर ये, बायो के अंदर जैसे अभी आप बता रहे हो लोग केमिकल की खेती करते हैं, और अगर आप बायो के ऊपर आए हो तो इसका मतलब ये है कि बायो ज़्यादा कामयाब है। ज़्यादा कामयाब है। हमने एक दो पौधे जैसे उन पर नहीं किया, और ये दो पौधों पर किया तो रिजल्ट उनका बढ़िया है जी। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक जो है वो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है। हाँ, सही है। और ऑर्गेनिक करना चाहिए लोगों को। फ्रूट की चमक भी ज्यादा आती है, साइज भी बड़ा होता है जी, और खाने में बड़ी स्वादिष्ट होता है। तो इसके बीच में कोई और इंटरक्रॉप ले रहे हैं आप? नहीं जी, पहले फूल की खेती की थी शुरुआत में, तो अब इसके अंदर कोई गड़बड़ताओ जैसे कोई सब्जी। फूल कौन से बीजे थे?
गेंदा तो गेंदा तो निमाटोड के अंदर कहते हैं कि अच्छा रहता है। निमाटोड में एक साल बाद में जो है उसका रिजल्ट बड़ा आने लगता है, क्योंकि जिस भूमि में गेंदा हो जाता है वो धीरे धीरे करके वो निमाटोड को ही खत्म कर देता है। तो ऐसा है क्या? पौधों की क्वालिटी तो बढ़िया बनी है जी, ऐसे हरापन भी बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया इनकी फ्रूट। हाँ, तो हो सकता है कि उसका भी असर रहा हो, लेकिन बायो का आपने प्रयोग किया तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हाँ जी, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो आप आज तक इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया हमने। ठीक है, तो फ्रूट को जो है बेचते कैसे हो आप, किस तरह से बेचते? ऐसे ले जाते हैं लोग, पूरा ही नहीं हुआ था। अच्छा, लोग मांगते रह गए हमें दो हमें दो। अच्छा, जो 10 किलो मांगे उनको 1 के 2 किलो करके दिया। तो इसमें और क्या प्लान है, अगर ये कामयाब हुआ है तो आगे भी इस रकबे को बढ़ाना चाहोगे? ठीक है, और एक चीज़ जो हर किसान समझना चाहता है और वो ये है कि बागवानी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसानों को, क्योंकि हमेशा जो छमाई फसलें बीजते हैं उसमें कई बार नुकसान होता है, और उसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है, या कैसे थोड़ा सा आप क्लियर करें? जी, जिस हिसाब से उसकी ज़मीन है उसके हिसाब से मान लो तीसरे हिस्से के हिसाब से ज़रूर लगाना चाहिए बागवानी करनी चाहिए, और ज़्यादातर आजकल लोग आ भी रहे हैं बागवानी। लेकिन इसका मेन चीज़ ये है कि इसमें फ़ायदा है बागवानी के अंदर। 50 रुपए किलो यहाँ घर पर आके लेके बाजार भी नहीं ले जाना पड़ा। अच्छा, घर से आके ले। और जो वो फसल होती है गेहूँ वगैरह, वो कितनी हो जाती है किले की? हो जाती है बढ़िया, जैसे वो तो फार्मर पर डिपेंड है, अपने 60+ होती है। अच्छा, 600 भी 10-12 क्विंटल किले की होती है। और इसमें बागवानी में, बागवानी ये देख लो जी, ये कितना का इसके पहला फ्रूट है, 12 क्विंटल हुआ है, वो भी हमने कम रखा था। अब की बात मेरे हिसाब से 30 क्विंटल। पौधों की हाइट कम थी, पौधों का वजन ज्यादा, क्वालिटी भी नहीं बन पाई होगी, इम्प्रूव नहीं कर पाए होंगे उसको। अब कम पहली हमें पता नहीं, उनका 1 या 2 फ्रूट जैसे डाली पर रखे थे जो सभी तोड़ दिए थे। ठीक है, डाली ना टूट जाए, पहली शुरुआत थी ना, पता नहीं था। तो इसके अलावा आप एक आड़ू का पौधा बता रहे थे? देसी आड़ू है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आड़ू के पौधे इन्होंने तैयार किए हैं इस क्षेत्र के अंदर। और अमरूद के बाग दोस्तों आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आड़ू के अलावा जो अमरूद है वो ये रेतीला भाग है, पूरा राजस्थान की सीमा से थोड़ा ही दूर है, लेकिन ये रेतीला भाग होने की वजह से यहाँ पर कामयाब कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत और जज्बे के साथ में इस ज़मीन को कामयाब किया है, और इस बायो प्रोडक्ट डाल करके और ऑर्गेनिक जो कंसेप्ट था इनका उसको कामयाबी इन्होंने दी है। तो इसलिए ये ज़रूरी बनता है कि हम इस फार्म को जो है विजिट करवाएं और दिखाएं आपको। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए आड़ू का पौधा है, और कितना बढ़िया से इसके अंदर फ्रूट लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये। और ये देखिए, और इनका ये कहना है कि ये बीज जो खा के और जो गुठली होती है उससे लगाया है। और ये देखिए, यहाँ पर 4-5 पौधे ऐसे तैयार इन्होंने कर रखे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और जो ग्रीनरी है वो आप देख सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे पूरा सोतर के एरिया के अंदर है, इस तरह के पौधे होते हैं। और असल में एक साल, कितने साल का बता रहे थे? 1 साल का पौधा हुआ है। 1 साल का पौधा मात्र है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है किसान भाइयों की, अगर हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरह के पौधे अगर आप तैयार करते हैं, आड़ू, अगर आड़ू की तरफ आना चाहते हैं, आड़ू की बागवानी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कामयाबी है, और रेतीले भाग के अंदर ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये रहेगा कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से विशेषज्ञों से राय ज़रूर करनी चाहिए, मिट्टी की जाँच है वो ज़रूरी होती है, और उसके बाद में पता करके और आप कर सकते हैं। हाँ जी, एक हमने ये अलग से तैयार किया है, जैसे कि पौधा गिरे ना, पौधे की मजबूती ज्यादा हो, तो इसके लिए चारों तरफ मिट्टी लगाई है, चारों तरफ खाद दी है। हाँ, और उसमें ऑर्गेनिक खाद डाली है, घर की गोबर की, और उसमें जैविक खाद डालकर ये चारों पास गड्ढा बना दिया, और बनाकर उसको तने के साथ में, देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत ही, किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस काम को ज़रूर करें जो इन्होंने कर रखा है। वो क्या है, ये देखिए, ये हर अमरूद के पौधे के साथ इन्होंने मिट्टी लगाई है, और करीबन 1.5 से 2 फीट की दूरी पर इन्होंने जो है दायरा बना दिया है, ताकि जो खाद या कुछ भी डालना हो तो वो इस चक्र के अंदर आप डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है खाद है वो यहाँ दी जा सकती है, और ये एक तो तने के अंदर किसी भी प्रकार के फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि मिट्टी को इन्होंने इसके साथ में लगा दिया है,
और दूसरा ये रहेगा कि जो घास वगैरह है वो भी इसमें कम होगा, क्योंकि सूखी रहेगी मिट्टी और पानी है वो दूर रहेगा। तो जड़ों को इसका ये खास बात ये रहती है और इसका एक विशेष कारण ये रहता है कि पौधा जो है अगर पानी आप पौधे के साथ में दोगे तो पौधे की जड़ें जो है वो दूर नहीं जा पाएंगी और फिर पौधे के अंदर क्वालिटी नहीं आ पाएगी। और अगर पानी इसको दूर मिल रहा है तो पौधे की हमेशा ये खासियत रहती है, जड़ों की रूट का ये सिद्धांत है कि वो पानी की तरफ भागता है, तो जड़ें जो है वो ज़्यादा डेवलप होंगी और पौधे को खुराक की तत्व जो है वो ज़्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि बीच में जहाँ पर भी खुराक होगी वो उसके पास में जड़ें जो है वो पहुँच जाएंगी और पानी को लेने के लिए दूर तक जाएंगी, तो स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को ख़त्म करते टाइम मैं आपको ये दूसरे वीडियो है वो भी लेकर के आएंगे हम जब इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।